एक नहीं दो नहीं बल्कि ये पांच हैं बांग्लादेश टीम के हार के गुनहगार। कंगारुओं के खिलाफ बांग्लादेश टीम ने गवाया एक बड़ा और सुनहरा मौका। तो बात करें बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में कंगारुओं ने सुपर 8 मुकाबले में डकवर्थ लुइस नियम से उनको हरा दिया है। यहां पर इस हार की बात करें तो बांग्लादेश टीम ने एक बड़ा मौका गवाया। उनके पास एक अच्छा मौका था, एक सुनहरा मौका था, ऐसी पिच थी जहां पर वो कंगारू टीम को मात दे सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम उनके ऊपर हावी दिखी और अनुमान भी लगाया जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हावी दिखेगी, लेकिन ये अनुमान था कि बांग्लादेश फाइट करेगी, लेकिन इस मुकाबले में वो फाइट करते हुए भी नहीं दिखे। इस हार के, इस दर्दनाक, इस शर्मनाक हार के पांच गुनहगार हैं जिन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेट प्रशंसकों को लेट डाउन किया, बांग्लादेश टीम को लेट डाउन किया और खुद को लेट डाउन किया, क्योंकि ये सुनहरा और बड़ा मौका था यहां पर बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए। अगर हम बात करें उन पांच गुनहगारों की, तो उसमें सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, लिटन दास। ये सबसे बड़े गुनहगार हैं। इनसे उम्मीद थी कि इस मुकाबले में आएंगे जो ऑस्ट्रेलियन टीम का पेस अटैक है उसको दबाव में डालेंगे, क्योंकि एक एक्सप्लोजिव बैट्समैन है, बहुत तेज गति से रन बनाते हैं शुरुआती ओवर्स में। इस वर्ल्ड कप में इनका बल्ला नहीं बोला था, इन्होंने सोचा कि चलिए इस मैच में समय लिया जाए, लेकिन इतना समय ले लिए कि बांग्लादेश मुकाबले में बहुत पीछे हो गया। इंटेंट की कमी दिखी लिटन दास की तरफ से। शायद ये 16 रन वो 4 गेंदों पर, 16 रन या 6 गेंदों पर, 8 गेंदों पर बनाते तो कंगारू टीम के जो तेज गेंदबाज होते दबाव में होते, लेकिन लिटन दास बहुत डिफेंसिव दिखे, सेल में चले गए और जब इन्होंने गेंदे खाई, अपना आंख जमाने के लिए इतना समय लिया, उसके बाद आउट हो गए, तो बांग्लादेश बहुत पीछे हो गई। तो सबसे बड़े गुनहगार खिलाड़ी आज के मुकाबले में बांग्लादेश के लिए लिटन दास। वहीं अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो तानजीद हसन साकिब हैं। भैया बहुत बुरा वर्ल्ड कप इनका गुजरा है, एक भी मुकाबले में स्टार्ट इन्होंने बांग्लादेश को नहीं दिया है और आज इनसे उम्मीदें थी, ये आशाएं थी कि आज स्टार्ट देंगे, पावर प्ले के ओवरों में जम कर खेलेंगे, डट कर खेलेंगे, कंगारू तेज गेंदबाजों का सामना करेंगे, लेकिन पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क की बेहतरीन गेंद पर ये बोल्ड हो जाते हैं और बांग्लादेश को करारा झटका मिलता है। वो शुरुआत नहीं मिल पाता है जिस शुरुआत की बांग्लादेश को उम्मीद थी। ये हैं तीसरे गुनहगार खिलाड़ी। हालांकि शाकिब उल हसन को बहुत लेट बल्लेबाजी करने को भेजा गया, उनके ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए, काफी नीचे उनकी बल्लेबाजी आई, अक्सर ये नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलते हुए दिखते हैं, खासकर नंबर 4 इनका फिक्स रहता है, लेकिन इनके ऊपर रिशाद हुसैन को भेजा गया, इनके ऊपर तौहीद हृदय को भेजा गया। चलिए तौहीद हृदय तो ठीक है कि अच्छे फॉर्म में है, बल्लेबाज हैं, लेकिन रिशाद हुसैन किस वजह से भेजे गए भैया साकिब उल हसन के ऊपर, ये सोच से परे है। लेकिन साकिब उल हसन की बल्लेबाजी आ गई थी, अच्छे समय आ गई थी, इनके पास अपार अनुभव था, उस अनुभव का इस्तेमाल कर सकते थे और अच्छा खासा रन बना सकते थे इस पिच पर। समय भी था साकिब उल हसन के पास, लेकिन ये भी गेंद लेते हैं, समय लेते हैं, सेल में जाते हैं, 10 गेंद 8 रन, फिर अपना विकेट एक खराब गेंद पर फेंकते हैं। तो साकिब उल हसन से उम्मीदें बहुत थी, आशाएं बहुत थी, अनुभवी खिलाड़ी हैं और बड़े बड़े और अच्छी अच्छी पारियां ये खेल चुके हैं कंगारुओं के खिलाफ, लेकिन आज ये फेल देखे जब मौका था एक बड़ी और एक सुनहरी पारी खेलने का। यहां पर ये चौथे गुनहगार खिलाड़ी हैं मुस्तफिजुर रहमान। अभी तक वर्ल्ड कप तो इनका अच्छा गया था, लेकिन आज के मुकाबले में लेंथ पाने में ये गेंदबाज असफल दिखे। शायद अगर पावर प्ले के ओवरों में एक दो विकेट चटका लेते, अच्छी गेंदबाजी कर लेते, हिट द डेक गेंदबाजी कर लेते, तो फिर बांग्लादेश टीम इस 140 के स्कोर को डिफेंड करने का सोच सकती थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र जो था तेज गेंदबाजी विभाग का, वही फेल दिखा आज के मुकाबले में। 2 ओवर में 23 रन खर्चे, और अगर ऐसी पिचों पर जहां हिट द डेक गेंदबाजी करनी हो तो फिर इनका कामयाब होना कठिन हो जाता है। एक कटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पिचे रुक कर आती हैं, थोड़ी सी फंस कर आती हैं, लेकिन यहां पर 6-8 मीटर की लेंथ पर जितना भी आप गेंदे पटक कर फेंकेंगे, जोर आजमाइश करके फेंकेंगे, उतना ही सफल होते, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान वो लेंथ पकड़ नहीं पाए। वैसा ही हसर अगर हम बात करें तो ताशकीन अहमद का जरूर बल्ले से 7 गेंदों पर 13 रन बनाए, लेकिन जो बल्लेबाजी इनकी रही वो फेल रही। 22 रन खर्च किए 1.2 ओवर में, ये थोड़ा सा काज ऑफ कंसर्न रहा, जो कि बांग्लादेशी टीम की तेज गेंदबाजी थी, इस वर्ल्ड कप में अच्छा खासा रंगत दिखा रही थी, ये उम्मीद था कि तेज गेंदबाज अच्छी गति से गेंदबाजी करेंगे, हिट द डिक गेंदबाजी इनसे तो आशा थी, लेकिन ये भी नहीं कर पाए, जिस कारण से बांग्लादेश टीम बिल्कुल भी इस मुकाबले में लड़ाई लड़ती हुई नहीं दिखी, जिस लड़ाई की उम्मीद करके, जिस लड़ाई की आंख लगाकर सभी बांग्लादेशी प्रशंसक बैठे थे।
सबसे बड़े गुनहगार ये पांच हैं, जिसमें लिट्टन दास ने तो सबसे पहले बांग्लादेश की लुटिया डुबाई थी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।